इस हफ्ते के मेडिटेशन में हम एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वर्ल्ड में अभी बहुत अनरेस्ट है, लोग बहुत घबराए हुए हैं, तो उन्हें पीस की ज़रूरत है, उन्हें पीस एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत है। तो हम कामनेस के वाइब्रेशन अपने द्वारा अनेकों को कैसे भेजना है, इसकी प्रैक्टिस आज के मेडिटेशन में करेंगे। सभी अगले 5 से 7 मिनट मेडिटेशन पर फोकस करते हुए अपने आप को अलर्ट करें, माइंड को फोकस रहने का इंस्ट्रक्शन दें, गाइडेड कमेंट्री को फॉलो करेंगे, डिवाइसेस को दूर, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा। गहरी और लंबी सांस लेते हुए हम बिल्कुल अपने शरीर से एक अलग ऊर्जा के रूप में खुद को महसूस करते जा रहे हैं। सांसें धीमी हो गई हैं, शरीर बहुत हल्का हो गया है, कोई तनाव नहीं। केवल 3 स्टेप में एक पावरफुल विजुलाइजेशन के थ्रू हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहली स्टेप, अपने फोरहेड के सेंटर में, कपाल के मध्य में एक चमकते हुए ज्योति रूप को देखें, सितारे के रूप में, शरीर से भिन्न ऊर्जा जो शरीर को चलाती है। यह मेरा अपना ओरिजिनल फॉर्म है, उसे देखें। अपने आप को अपने ओरिजिनल नेचर में भी देखें। ओरिजिनल फॉर्म ऊर्जा का है और मेरा मूल नेचर शांति का है। मैं हर वक्त मन को शांत करने को बार बार चूज करती हूँ, यही मेरी चॉइस है। इसीलिए मैं हर परिस्थिति में डे बाय डे शांत होती जा रही हूँ, स्टेबल होती जा रही हूँ। दूसरी स्टेप में यूनिवर्सल एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी, परमात्मा, इन्हें विजुलाइज करें हमारे ब्रेन के 2 फीट ऊपर। अगले स्टेप में विजुलाइज करें कि परमात्मा से पीस की और शक्ति की बहुत सारी किरणें शॉवर के रूप में मेरे ब्रेन से होते हुए मेरे पूरे बॉडी में जा रही हैं। और मैं अधिक पीसफुल और शक्तिशाली बनते जा रही हूँ।
आप बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं मेरे अंदर कामनेस, पीस का स्टॉक बहुत बढ़ता जा रहा है और मैं डे बाय डे अपने आप को शक्तिशाली महसूस करती जा रही हूँ। अब लास्ट स्टेप में विजुलाइज करें पूरे ग्लोब को, वर्ल्ड को, जो बहुत घबराए हुए, परेशान, दुखी, कंफ्यूज स्टेट में है। मुझ फोरहेड से शांति और पीस के बहुत सारे रेजेस, किरणें सबको पहुंच रही हैं और जो दुखी हैं, जो कंफ्यूज हैं, वह शांति का एक्सपीरियंस कर रहे हैं कुछ पल के लिए भी। यह बहुत सुंदर पिक्चर आप तैयार करें कि हाईएस्ट एनर्जी से पीस और शक्ति की किरणें मुझ में आ रही हैं और मेरे द्वारा अनेकों को पहुंच रही हैं। देखें कि लोग शांत होते जा रहे हैं, शक्तिशाली होते जा रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। उनमें हर कठिन समस्या को सामना करने की ताकत आ गई है।